कोई दिक्कत नहीं, बस एक नट 24 नंबर खोले हैं, बस पेचकस से ऐसे करके पेचकस हाथ से निकाले, एक्सल निकाल दिए हाँ। बस चक्कर निकल गया एक मिनट में, चारों को छेदा है, ड्राम बगड़ो बैठा लीजिए, इसको उसी में घुसा कर बस बैठा देना है चक्का टेढ़ा करके। तो स्वागत है आपका मोटो मिस्त्री में। आज हम आए हैं राइडर स्पिट पे, जगह आनंदपुरी, और यहाँ पे जावेद भाई हैं जो आज हमको बताएंगे कि ये आप बुलेट देख रहे होंगे, रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक 350। बहुत लोगों को इशू होता है कि मान लीजिए पंचर हो गया तो वो लोग चक्का को खोल नहीं पाते हैं, और 150 रुपये लगता है या फिर जितना भी रुपये मैकेनिक लेते हैं बाहर से, अगर फ़ोन करके बुलाते हैं तो वो भी देना नहीं चाहते। हम आपको दिखाएंगे कि पीछे का चक्का कैसे खुलता है और कैसे लगता है। जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और यही बताएंगे आपको कि किस तरह से, किस रेंज से ये चीज़ खुलता है, और फिट करके भी दिखाएंगे। हाँ देखिए, 24 नंबर रेंज से चक्का खुलता है, बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे खोलिए। क्यों नहीं जावेद भाई इसको? इसलिए कि बहुत आदमी डरता है बुलेट की वजह से, चल खोलेंगे कौन नहीं लगा तब, ये बहुत आसानी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, बस एक नट 24 नंबर खोले हैं, बस पेचकस से ऐसे करके पेचकस हाथ से निकाले, एक्सल निकाल दिए हाँ। बस गाड़ी गंदा ज़्यादा है क्या? गाड़ी बहुत गंदा है, इसको हमेशा साफ रखिए, इसलिए कि रबर गुट है ना, रबर हार्ड नहीं होना चाहिए। ये निकल गया, निकल गया, एक्सल निकल गया, देखिए अभी बस बूश निकलेगा, यहाँ से ये वाला है इनका। बुलेट में दिक्कत क्यों होता है? बुलेट में हर एक किसी मोटर है ना, डिस्क ब्रेक वाला है ना, आगे पीछे में दिक्कत होती है, इसमें कोई मतलब आसानी तरीका है। बस एक बूश निकालिए, बाहर गाड़ी झुकाइए, देखिए गाड़ी चक्का निकल गया एक मिनट में, चक्का निकल गया, बस इतना सा काम? बस बस कुछ नहीं है, बस तुरंत फट से लग गया, बस बस बस। कौन कौन से रेंज का काम? बस सिर्फ 24 नंबर डाड़ी चेक पेचकस, 24 नंबर ये रेंज है, देखिए रेंज से खुल जाएगा, भाई एक पेचकस से बोल खोल देना और घाट गिन के बराबर लगा देना है, और रजिस्टर। अब आपसे सीख के लोग लगा लेंगे? अब खुद से एकदम लगा देंगे, खाली देख लेंगे तो लगा देंगे एकदम। धीरे धीरे बताइएगा कि फिट वापस कैसे करते हैं। ड्राम रबर देखिए इस पॉकेट में है, चारों को छेदा है, ड्राम रबर बैठा लीजिए, इसको उसी में घुसा कर बस बैठा देना है चक्का टेढ़ा करके। ये भी रबर ज़्यादा रबर है, कटा है तो रबर चेंज करना पड़ेगा। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी चलेगा। चलिए झुकाइए, गाड़ी झुकाइए, देखिए हाँ रबर बिना बैठा भी नहीं लगेगा, इस पॉकेट में से कर रखिए रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं हुआ, देखिए आराम से बैठ गया, कोई टेंशन नहीं। कि समझ में आए लोग को? बस कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे कर देना है, घाट उधर गिन लेना, जिधर ब्रेक है चैन है उधर घाट गिन के फिर इस साइड घाट कर देना। देखिए एडजस्टर ये वाला, देखिए ये एडजस्टर है, इसको खाली ऊपर टी गिन के गिन लेना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पर है तो पाँच पर इधर रहना चाहिए। ये एक और बार समझा दीजिए, ये पांच वाला? हाँ पांच वाला जी, पहले गिन लीजिए इस साइड में चैन, जिस चैन लगा हुआ है और जिस तरह गिन लीजिएगा, तो गिन लीजिएगा, जैसे दस पर है तो दस पर उधर पर होना चाहिए, कि दस पर है ऊपर से चाहे नीचे से बराबर, हाँ मार्किंग बना हुआ है और नट कस लीजिएगा। मतलब कि अगर ये रेंज पास में है तो चक्का खोल देंगे? हाँ ना आराम से ना, रेंज 24 नंबर और एक पेचकस, एक पेचकस हाँ बहुत जोड़ी है, इतना रखते ही होंगे। हाँ हाँ एनी टाइम बाहर जाते थे रखते हैं। बहुत आसान तरीका है इसमें, सामने नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? वो चेहरा लग जाता है ना तो बोल रहा था एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए नंबर आंसर किया, वापस फिक्स करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है हाँ, तार खाली खोद देना है और का तार निकालने से, एबीएस का तार है, देखिए चक्का फ्री हो गया, ब्रेक भी हो गया सॉलिड, तार से चाप देना खाली, बस तार को खाली ऊपर से चाप देना, बस कुछ नहीं है।
यहाँ गुटका में घाट बना हुआ है, घाट टाइट चलिए हो गया। अब इसको तार खाली खोल देना है, बस इसको खाली से चाप देना है। ABS का तार है, ये हो गया, हो गया। लोग सीख गए आप? हाँ, करना है बता दीजिए लोग को। एकदम एकदम सीख जाएंगे। तो कुछ नहीं, खाली एक नट खाली खोलना है। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर आप कहीं दूर जा रहे हैं या फिर घर ही बैठे हैं और आप हो गया, तो किस तरह से ये पीछे वाला चक्का आपको खोलना है और किस तरह से लगाना है? बहुत लोग बोल रहे थे कि पीछे वाला चक्का खोलने में बहुत इश्यू होता है बुलेट, छोटा सा चीज़ है, बस वही करना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।